और बरेली के देवरानीय पुलिस थाना क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस की तरफ से मुठभेड़ के दौरान तीन शातिर गौकशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिनके कब्जे से तमंचे, कारतूस और साथ ही गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान कई अन्य नाम भी प्रकाश में आए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उनको यहाँ पर शिद्दत से तलाश कर रही है। थाना देवरनिया में दिनांक 16/7/2024 को एक गोकशी की घटना हो गई, जिसके संबंध में पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था। वह इस घटना में शामिल बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 25/7/2024 को सुबह करीब 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पर इस घटना से संबंधित बदमाशों की जब पुलिस पार्टी द्वारा ग्राम रोहिली के मोड़ पर घेराबंदी की गई, तो उन्होंने पुलिस पर तत्काल फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में यासीन व ताहिर नाम के दो अभियुक्त घायल हुए हैं। वह एक अन्य बदमाश चांद बाबू मौके से गिरफ्तार हुआ है तथा ओएस नाम का बदमाश मौके से भागने में सफल हुआ है, जिसकी पुलिस टीम द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में हमारे दो पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर मनोज व कॉन्स्टेबल अंकित भाटी को भी चोटें आई हैं। इन सभी का इलाज CHC बहेड़ी में कराया जा रहा है। इस घटना के संबंध में BNS व आर्म्ड चेक की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।